नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने की पीएम मोदी की नेतृत्व की सराहना, बोले सुरक्षित हाथों में है देश। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व का सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और योगदान पर एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि मोदी के व्यक्तित्व और जनता के साथ संवाद करते उनकी क्षमता ने उन्हें कुछ ही समय में लोकप्रिय नेता बना दिया है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और नीतियों के कारण भारत विदेश में प्रवासी भारतीयों के लिए गर्व का स्रोत और कई देशों के लिए प्रेरणा है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश और मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। वही जनधन आधार और मोबाइल फोन सहित जाम ट्रिनिटी के इस प्रणाली में ऐसी क्रांति ला दी जो पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि UPI प्रणाली और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच गेम चेंजर साबित हुई है। आज सड़क किनारे नारियल बेचने वाले भी UPI का उपयोग कर रहे हैं, जो कुछ साल पहले तक सपने की तरह था। कोविंद ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा बनाई गई और लागू की गई विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम लोगों की कल्पना से भरे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर एक व्यक्ति के पास एक या दो क्षेत्रों में विशेषता होती है या अधिकतम तीन क्षेत्रों में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों में विविध है। दिलचस्प बात यह है कि कोविड महामारी के समय उन्होंने आपदा प्रबंधन का नजरिया पेश किया, साथ ही महामारी का सामना कर रही देश की जनता को राहत प्रदान करने के लिए उपचार का सुझाव दिया। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज आज, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे शुभारंभ। 21 सितंबर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सप्लो मार्ट उत्तर प्रदेश की समृद्ध की झलक दिखाने को तैयार है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन का शुभारंभ करेंगी। इस आयोजन के माध्यम से 2000 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों को देश और दुनिया को उद्यमियों एक्सपोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इनमें ODOP से लेकर हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक, ई कॉमर्स समेत तमाम सेक्टर शामिल होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई विभाग भी अपने स्टॉल के माध्यम से प्रदेश की क्षमता और विकास का रोड मैप प्रदर्शित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 अपनी तरह का अनोखा और पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग में विभिन्न दूतावासों से इस शो के लिए संपर्क किया गया। इसी का परिणाम है कि करीब 60 देशों में 500 बायर्स शामिल होने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 एक बड़ा मंच साबित होगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए 500 से अधिक बायर्स, 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, जबकि 60,000 से अधिक B2B रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 600 गाँव नक्सलवाद से मुक्त, बघेल। 31 सितंबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि राज्य में नक्सलवाद प्रभाव कम हो रहा है और 600 ऐसे गांव हैं जहां नक्सलवाद से मुक्ति हो गई है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने यहां एक समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सहित विकास देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। लगभग 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनता का समावेशी विकास ही है छत्तीसगढ़ मॉडल। इस मॉडल के तहत किसानों, आदिवासियों और गांवों में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समृद्ध बनाने का कार्य सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ किसानों का कर्ज माफ किया, छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक उन्नति और बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव योजनाएं को संचालित कर समृद्ध करने का कार्य कर रही है। इसी मॉडल के अंतर्गत प्रदेश में 750 से अधिक स्वामी आनंदनंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। स्कूलों के माध्यम से उन परिवारों को राहत मिली है
और बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, निजी स्कूल में बच्चों से आगे बढ़ रहे हैं। मजदूरों, बेरोजगारों और किसानों को भी सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के लोगों को आर्थिक समृद्धि के साथ साथ कला संस्कृति भी संजोने और संवर्धन करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। विगत 3 वर्षों से आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया, लगभग 27 देशों ने भी आदिवासियों की टीम छत्तीसगढ़ आई और आदिवासी महोत्सव में अपनी संस्कृति या यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिससे एक दूसरे की संस्कृति को जानने सीखने का मौका मिला। इससे ही नई हमारी सरकार में प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर कार्य हुए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ शासकीय नौकरी का अवसर दिखाना और बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। ऐसा लिंक ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।